वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एरिया में एक तो कहना चाहूंगी कि आज के दिन का जो इम्पोर्टेंस है, 15 अगस्त का जो इम्पोर्टेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्मी ऑफ इंडिया, जय हिंद जय भारत, ताकि वो आगे बात पहुंचाएं। और ये सुरक्षा किसी एक की सुरक्षा नहीं, हम राधा गुप्ता जी को परिवार की तरफ से ट्राई कलर लगा के तिरंगा। महान इंसान को जिसने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए अपने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बिना ये सोचे, जैसे अभी होस्ट बता रहे थे, बिना ये सोचे कि मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा। आज के दिन मैं सलाम करूंगी सांबा की इस पावन धरती को, जिसने ऐसे वीरों को जन्म दिया है, जिनके कारण आज जम्मू कश्मीर और हमारा देश सुरक्षित है। और आज ही के दिन मैं नमन करना चाहूंगी हर उस वीर को, हर उस शहीद को, जो चाहे देश के किसी भी प्रांत में जन्म लेता है, किसी भी कोने में जन्म लेता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा या मैं अपने जीवन की कुर्बानी क्यों दूं। और जब वो दुश्मन के का सामना कर रहा होता है तो वो अपना पूरा समर्पण जो है वो देश के लिए दे देता है। उन सबको मद्देनजर रखते हुए भी अगर हम कोई काम उसको सेलिब्रेट करते हैं तो वही एक सर्वसुमन होता है शहीद के लिए। फौजी के जीवन में शहीद होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये दिवस सबके लिए संभव नहीं है, तो जिनको ये दिन नसीब होता है उनको हम शत शत प्रणाम करते हैं। जैसा कि इसी मैम ने भी अभी आपको बताया कि उनको सही नमन अपनी ड्यूटी को सही अंजाम देने में ही है। और जो स्वतंत्र भारत में हम लोग रह रहे हैं, ये स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिली है और जितनी मुश्किल से ये मिली है उतनी मुश्किल ही इसको सही सलामत रखने में है। इसलिए सभी लोगों को अपनी ड्यूटी जो जो वो कर रहे हैं उसको सर अंजाम सही तरीके से देना चाहिए। वही हमारी शहीदों के लिए सही पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि होगी। सूबेदार गिरधारी लाल के जो सुपुत्र हैं वो भी उनकी अपनी रेजिमेंट जो कि 12 जाट है उसके अंदर आज भी कार्यरत हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है परिवार के लिए, इस इलाके के लिए, इस धरती के लिए और खास करके उन माताओं के लिए कि पिछले वक्त में 1947 से पहले और उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन रहा है और कितने जो है हमारे जवान शहीद हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी माताओं ने, परिवारों ने अपने बच्चों को ये प्रेरणा दी कि हिंदुस्तान की रक्षा के लिए बार बार जनरेशन से जनरेशन तक जो है वो फौज में जाते रहे और देश की रक्षा करते रहे। वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे